भारत में पत्रकारिता पर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। वैसे तो सरकारी पत्रकारों की कमी नहीं है। सच बोलना या सत्ता से सवाल करने की बजाय चाटुकारिता करने वाले और सत्ता से सवाल कर जेल तक का सफर या फिर अपनी जान गंवाने वाले भी पत्रकार भारत में देखे जाते रहे हैं। हाल ही में इसी बात को उजागर करते हुए निडर पत्रकार के समूह की हिमायत करती स्कूप वेब सीरीज हंसल मेहता ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसे बनाया है और जनता ने इसे भरपूर पसंद भी किया है। जिग्ना वोरा पर बनी इस वेब सीरीज ने अपना अलग मुकाम बनाया है। कई पत्रकारों की कहानियों को खंगाला गया, जिसमें जिग्ना वोरा का किरदार करिश्मा तन्ना ने बखूबी निभाया है। मुंबई की रहने वाली जिग्ना वोरा पर बनी वेब सीरीज में पत्रकार के तमाम पहलुओं को दर्शाने की कोशिश की गई है। मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंधों के चलते जिग्ना वोरा को जेल भी हुई। इसमें और भी पत्रकारों के बारे में बताने की कोशिश की गई है, खासकर आखिर में उन तमाम पत्रकारों की तस्वीरें दिखाई गई जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया या फिर उन्हें मार दिया गया। इन्हीं में से एक कर्नाटक बेलगाम के इकबाल जकाती है। इन्हें सिमी संगठन से तार जोड़कर 2008 में गिरफ्तार किया गया। मुंबई हवाई अड्डे पर इनकी गिरफ्तारी मुंबई पुलिस की तरफ से की गई और तकरीबन 4 साल तक जेल में रहना पड़ा। समाज ने इनके साथ कैसा रवैया अपनाया, किस तरह से उन्होंने जेल से आने के बाद अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखा, भाजपा संघ या सत्ता के विरोध में लिखने के बाद फिर से इन्हें जेल भेज दिया गया। पैगाम ए इत्तेहाद पत्रिका के वो खुद संपादक है। इत्तेहाद न्यूज यूट्यूब चैनल है जिसके 1 करोड़ से भी अधिक व्यूवर्स है। बेलगाम में आज एक जाना पहचाना नाम पत्रकारिता में इकबाल जकाती का है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज में आज भी पत्रकारिता को लेकर खास महत्व नहीं दिया जाता। यूट्यूब को कई बार हैक किया गया तो आईटी सेल की तरफ से रिपोर्ट भी किया जाता है। अखबार तो हर हफ्ते निकलता है लेकिन रुपए देकर खरीदने वाले आज भी नहीं मिलते। मतलब कई कहानियां हैं जो आज भी पर्दे पर दिखाने के काबिल है। उन तमाम पत्रकारों को नमन करना होगा जिन्होंने ऐसे दौर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बरकरार रखा है। स्कूप ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जनता के सामने रखने की कोशिश की है। बिकाऊ पत्रकार तो मिलते हैं लेकिन सत्ता विरोधी बनकर पत्रकारिता के कर्तव्य को पालन करना बहुत मुश्किल होता है। नेटफ्लिक्स ने स्कूप के जरिए सच्ची पत्रकारिता को सामने रखने का प्रयत्न वाकई सराहनीय। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हंसल मेहता।